हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली लास्ट फ्यू लेक्चर्स में वी हैव सीन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, फर्दर लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे सर्टेन कॉन्फिगरेशन में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो ये सिंपल दो चार्जेस का कॉन्फिगरेशन है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉन्फिगरेशन है। मींस दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज को अगर सर्टेन डिस्टेंस पे हम सेपरेटेड रखते हैं, सो वो कॉन्फिगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। लेट अस सी कि एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट नेचर का है। अगर इसको हम सर्टेन डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में दो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2a आर सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्दर हम देखेंगे कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होती है, दैट इज वी ऑल सी। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस कॉन्फ़िगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, यानी दो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है क्यू एंड माइनस क्यू, बट अपोजिट नेचर का है, एक q है दूसरा माइनस q है। इसको दोनों चार्ज को हम 2a डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये एग्रीगेट प्लस q और माइनस q का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2a सेपरेशन के बीच में, दिस होल थिंग इज कॉल्ड डाइपोल, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल हम कहते हैं या दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ये इंटायर, जैसे एक पॉइंट चार्ज है क्यू दूसरा माइनस क्यू है। नाउ क्यू की इफेक्ट तो हम जानते हैं, क्यू सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, माइनस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बट अब हम इस पूरे सिस्टम को लेकर चलते हैं, यानी क्यू और माइनस क्यू को लेकर एक सिस्टम हमने बनाया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, यानी इंटायर सिस्टम की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, दिस ऑल थिंग्स वी विल सी। तो बेसिकली इस डाइपोल का इफेक्ट क्या हुआ, ये दो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के जो कॉम्बिनेशन है, जो टू ए डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इस कॉन्फ़िगरेशन यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सराउंडिंग में क्या इफेक्ट होगा, सराउंडिंग में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये डाइपोल, दिस ऑल थिंग्स वी विल सी इन दिस लेक्चर। उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। सो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू से क्यू की तरफ का जो डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सो बेसिकली माइनस क्यू जैसे ही है और प्लस क्यू ये है, तो माइनस क्यू से क्यू के तरफ का जो डायरेक्शन होता है, माइनस क्यू से क्यू दिस डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सेकेंड, जैसा कि हम देख सकते हैं डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन है, दैट इज 2a। इस सेपरेशन के मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है डाइपोल का। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल क्या है, तो डाइपोल मींस कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर हम एक 2a डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्दर माइनस क्यू से क्यू का जो डायरेक्शन है, माइनस क्यू से क्यू साइड का जो डायरेक्शन है, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। यानी अगर माइनस क्यू चार्ज ये है प्लस क्यू ये है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा। अगर प्लस क्यू ये होता और माइनस क्यू होता, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू साइड अगर हम मूव करते तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इस डायरेक्शन में होता। नाउ प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो सेपरेशन है उसके सेंटर को हम बोलते हैं, यानी इसके लाइन प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी ये सेंटर है डाइपोल का। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज हम देख सकते हैं कि एज वी नो, अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो इस पूरे सिस्टम में दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अलग है, एक पॉजिटिव चार्ज है अगर एक नेगेटिव चार्ज है। सो वी कैन से इस पूरे सिस्टम यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो नेट चार्ज है दैट इज जीरो। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में नेट चार्ज जो होता है सिस्टम का वो जीरो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेट चार्ज जीरो है डाइपोल का तो ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो जनरेट करेगा। यानी सराउंडिंग में डाइपोल, क्योंकि डाइपोल में नेट चार्ज जीरो है, तो हम इसको ऐसे रिलेट नहीं कर सकते कि ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी
जीरो जनरेट किया, क्योंकि ऐसी मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है कि अगर सिस्टम में चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, तो ऑब्वियसली वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं करेगा। बट डाइपोल के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज दोनों चार्ज सर्टन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर दोनों चार्ज एक पॉइंट पर लाई करता, फॉर एग्जाम्पल क्यू और माइनस क्यू एक ही जगह लाई करता, इन दैट केस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में जीरो होता। बट क्योंकि दोनों चार्ज सर्टन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सो इसका हम कह सकते हैं कि चार्ज तो जीरो है सिस्टम का, नेट चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सराउंडिंग में, ये श्योर नहीं है। बट फॉर ए पर्टिकुलर, अगर हम इस डाइपोल से काफी दूर डिस्टेंस पर बात करें, यानी एक ऐसा पॉइंट पी जो लाई करता है, जो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पी जो इस डाइपोल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे है, लोकेटेड है, उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम जीरो कह सकते हैं। क्योंकि ऑन द होल अगर एक लार्ज डिस्टेंस वाले पॉइंट की बात करें, सो इन दैट केस इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो डाइपोल से लार्ज डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट उस लार्ज डिस्टेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल थिंग। सो जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में नेट चार्ज तो सिस्टम का जीरो होता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इन द सराउंडिंग रीजन विल नॉट बी जीरो, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सराउंडिंग रीजन में वो जीरो नहीं होगा, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू होगी। थर्ड केस नाउ, अब तो ये डाइपोल की बात हो गई। डाइपोल में हमने देखा कि दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। सेकेंडली माइनस क्यू से क्यू टाइप के डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू और माइनस क्यू बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। नाउ डाइपोल में एक टर्म होता है, यानी डाइपोल की स्टडी हम फर्दर करेंगे कि डाइपोल जैसा कि कोई भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज है वो सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको देखा हमने। सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस है, वो सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दैट वी हैव ऑल्सो सीन। नाउ वी विल टॉक कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको स्टडी करने से पहले एक टर्म हम देखेंगे, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। बेसिकली डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है, जैसे डाइपोल में चार्ज जो है क्यू और माइनस क्यू है, तो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी क्यू, सिंपल एक सिंगल चार्ज क्यू, इनटू डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड माइनस क्यू, दैट इज 2a, क्यू इंटू 2a, यानी डाइपोल मूवमेंट का जो एक्सप्रेशन होगा पी इज इक्वल टू, पी वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज क्यू यानी चार्ज क्यू, आइदर क्यू या हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चार्ज इज क्यू और दिस इज 2a, यानी सेपरेशन बिटवीन क्यू एंड माइनस क्यू। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मूवमेंट का, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इस केस में ये है, सो दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सो डाइपोल मूवमेंट एक टर्म होता है, किसी भी डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम डाइपोल मूवमेंट टर्म डिफाइन करते हैं, और डाइपोल मूवमेंट पी की जो एक्सप्रेशन होती है, दैट इज क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल, आइदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड, इनटू 2a, दैट इज सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज 2a इनटू पी, पी क्या, सॉरी पी यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल के डायरेक्शन के क्रॉस होता है, और डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के थ्रू। सो ये तो सर्टन टर्म थे, कॉन्फिगरेशन थे अबाउट डायपोल। नाउ वी विल सी कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में क्या जनरेट करेगा, कितना जनरेट करेगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में जनरेट होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। सो दिस इज इलेक्ट्रिक, अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सो नाउ डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन या जो बात है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के एक्सिस पे लाई करता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे हम। सेकेंडली इक्वेटोरियल प्लेन पे, यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कोई भी अगर पॉइंट लाई करता है पी, उस पर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो बेसिकली डाइपोल को के इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी डाइपोल सराउंडिंग में क्या इफेक्ट जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट
एक्सियल पॉइंट के लिए और सेकेंड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एक्सियल पॉइंट, यानी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. सो वी कैन से एक्सियल पॉइंट, यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डाइपोल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P जो कि एक्सिस पे लाई करता है डाइपोल के, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा डाइपोल पे, कितना डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा किसी भी एक्सियल पॉइंट पे. तो लेट अस कंसीडर, एज वी नो डाइपोल में एक प्लस क्यू चार्ज होता है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन क्या है 2a. नाउ एक्सियल पॉइंट मीन्स कि इसके एक्सिस पे यानी q और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन के पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है. सो लेट अस कंसीडर एक पॉइंट P है इसके एक्सियल में, Q के बिसाइड एक पॉइंट P लाई कर रहा है, ये एक एक्सियल पॉइंट है बिकॉज डाइपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है. नाउ इस पॉइंट P पे हमें डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है. सो लेट अस कंसीडर अगर इसका सेपरेशन है, ये है सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल को दोनों डाइपोल में दोनों पॉइंट चार्ज जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू उसको ज्वाइन करने वाले लाइन के जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल. उससे उस पॉइंट पी की डिस्टेंस है आर, ताकि किसी भी पॉइंट पी डाइपोल के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट पी की अगर हम बात करते हैं तो जो पोजिशन वैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं उस पॉइंट पी की वो सेंटर ऑफ डाइपोल से होता है, डाइपोल के सेंटर से. नाउ इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण. सो एज वी कैन सी डाइपोल में दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे जो जनरेट होगा वो प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण दोनों के कारण होगा और वेक्टर सम होगा. यानी पी पे जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो किस कारण किस वजह से होगा, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण. तो बेसिकली डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालने के लिए हम प्लस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस क्यू के कारण कितना होगा उसको निकाल के वेक्टर सम करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट प्लस क्यू, तो अगेन प्लस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, दिस इज ई वन. माइनस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, माइनस क्यू यहां पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज ई टू. बेसिकली ई वन ई टू हम निकाल लेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉकिंग अबाउट ई वन, क्यू चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दिस इज वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू. आर की वैल्यू क्या होगी, अगेन मिडिल सेंटर ऑफ डायपोल से पॉइंट पी की डिस्टेंस है आर, और ये डिस्टेंस है ए, दिस इज ए क्योंकि ये मिड है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस ए. सो वी कैन से दिस इज आर माइनस ए का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट ई टू, यानी निगेटिव चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना जनरेट होगा, सो ई टू विल बी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज. नाउ अगर इसमें इस पॉइंट पे पी पे क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ई वन, उसका डायरेक्शन कितना है इस साइड में, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, एक टर्म था डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बेसिकली होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में, ये है डाइपोल का डायरेक्शन. सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज के कारण पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन है वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के डायरेक्शन के क्रॉस है, तो दिस इज बेसिकली इन डायरेक्शन ऑफ पी. नाउ निगेटिव चार्ज के कारण जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दिस इज ई टू, ये इस डायरेक्शन में है, यानी डायरेक्ट डायपोल का डायरेक्शन ये है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल है, तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस. इस केस में पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ये डिस्टेंस है आर और ये डिस्टेंस है ए, दिस यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा आर प्लस ए, तो दिस इज. नाउ अब इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के कारण वो बेसिकली E1 और E2 का वेक्टर सम है, सो E पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2. नाउ अगेन दोनों को सम करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, डायरेक्शन वेक्टर अपोजिट है, तो दिस इज 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q, ब्रैकेट में क्या होगा 1 बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, सिंपल इसको हमने वेक्टर सम किया, नेगेटिव क्वांटिटी है, दिस इज 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज. अगेन रिकॉल करें एक एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डाइपोल के कारण, तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण दैट इज क्यू के कारण एंड माइनस क्यू के कारण. क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वन डाइपोल के डायरेक्शन में, क्यू माइनस क्यू के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में,
डायरेक्शन ऑफ डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में. सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे होगा दैट इज सिंपल सुपरपोजिशन E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2. सॉल्व किया हमने तो इसके बाद जो एक्सप्रेशन होगा यानी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज EP इज इक्वल टू दिस इज एक्सियल पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा. सिंपल इसको हम जस्ट सॉल्व करना है. सो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट इज Q by 4 pi epsilon naught एंड द नेक्स्ट इज 4A. दिस इज बेसिकली 4A बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज 4A बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड वी कैन से जो नेट होगा पे पावर दिस इज स्क्वायर और ये पी के डायरेक्शन में होगा, पी के यूनिट डायरेक्शन में बेसिकली. यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें मिला. सो अगेन वी कैन से दिस इज आर, यहां एक आर का टर्म आएगा. सो यानी इस दो सिक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिला. नाउ एक कॉन्फिग्रेशन हम कह सकते हैं कि इफ R इज ग्रेटर देन A, यानी R काफी बड़ा है A के कंपैरिजन में, यानी जो पॉइंट P है वो डाइपोल से काफी दूर लाई करता है. ऑब्वियसली इफ R इज वेरी वेरी लार्ज देन A का मतलब क्या हुआ, इस A से R काफी बड़ा है, मीन्स पॉइंट P जो है डाइपोल से काफी दूर लाई कर रहा है. सो इन दैट केस जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन है, बट एक एजम्पशन हमने लिया कि इफ डाइपोल से पॉइंट P काफी दूर डिस्टेंस पे है तो दिस इज EP की अगर हम बात करें तो दिस इज ए स्क्वायर. अगर आर काफी बड़ा है ए स्क्वायर से तो ये टर्म नेग्लिजिबल होगा इसके कंप्रेशन में. सो दिस इज क्यू बाई फोर ए एंड दिस इज 4 pi epsilon naught, दिस इज आर क्यूब. नाउ अगेन फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एज वी नो एक टर्म था दैट इज डाइपोल मूवमेंट, हमने इनिशियल डिफाइन किया था डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या थी, दिस इज P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए एंड दिस इज. नाउ इसको अगर हम डायपोल मूवमेंट से 2a इंटू क्यू को डायपोल मूवमेंट वेक्टर से अगर डिफाइन करें तो किसी भी एक्सियल पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल के कारण दैट इज q इंटू डायपोल मूवमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस इज 2qp. सॉरी दिस इज q नहीं होगा यहां पे 2p, दिस इज 4 pi epsilon naught. ये किसी भी एक्सियल पॉइंट पे यानी डाइपोल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण उसका एक्सप्रेशन है 2E twice ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर. और डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, q इंटू 2a डाइपोल के डायरेक्शन के क्रॉस 4 pi epsilon naught r³. सो बेसिकली एक्सियल पॉइंट के लिए डाइपोल का एक्सप्रेशन है. हमने एजम्पशन क्या किया कि r इज वेरी वेरी लार्ज देन a, यानी जो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है वो डाइपोल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे लाई करता है. सो बेसिकली ये एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एक्सियल पॉइंट पे एक्सप्रेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कोई पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है डाइपोल के कारण. फॉलोइंग एजम्पशन दैट डाइपोल r इज वेरी वेरी लार्ज देन a, यानी जो पॉइंट P है वो डाइपोल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे है. नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी सेकेंड केस हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट. किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेटोरियल पॉइंट से क्या कॉन्सेप्ट है वी विल सी. अगेन लेट अस कंसीडर एक डाइपोल हमारा जो था, दिस इज प्लस क्यू दिस इज माइनस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a. नाउ ये है सेंटर ऑफ डाइपोल. इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब कि डाइपोल के एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो प्लेन है उस पे लाई करने वाला पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं. सो लेट अस कंसीडर यहां से r पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट लाई कर रहा है p, दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट. नाउ अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट p पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण. सो बेसिकली इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्रीगेट सम दैट इज द वेक्टर सम. सो अगर हम ड्रॉ करें यहां पे, सो वी कैन से
पॉइंट पी पे प्लस ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट पे हमने देख लिया डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, उसका एक्सप्रेशन देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वेटोरियल पॉइंट। पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। लेट अस कंसीडर दिस इज पी वन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। पॉइंट ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस चार्ज के कारण पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड होगा। सो बेसिकली दिस इज E2। E1 plus E2 का जो वेक्टर सम होगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लेट अस कंसीडर करते हैं थीटा एंगल पे पॉइंट पी लाई करता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल E1 का एक्सप्रेशन क्या होगा, सो अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें सो E1 का एक्सप्रेशन होगा यानी Q चार्ज के कारण जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q बाई अगेन आर स्क्वायर, और ये टोटल डिस्टेंस 2a है तो ये इंडिविजुअल क्या होगा a, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि पॉइंट p से q का डिस्टेंस हम ये लेंगे दिस इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर हमें लेना है तो रूट का स्क्वायर क्या होगा अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड की बात आ गई। नाउ सिमिलरली E2 के कारण कितना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगेन E2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम है Q, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो रेडियली इनवर्ड होगा, अगेन दिस इज R, दिस इज A, दिस इज रूट अंडर R स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट का स्क्वायर, क्योंकि यहां एक्सप्रेशन में R स्क्वायर का टर्म आता है, पोजिशन वैक्टर का स्क्वायर का टर्म, सो पोजिशन वैक्टर है रूट के फॉर्म में, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। सो बेसिकली हम देख सकते हैं E1 और E2 की मैग्नीट्यूड जो है यानी प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है E1 और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है दैट इज E2, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, E1 इज इक्वल टू E2। नाउ हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे मिलेगा दैट इज EP अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दिस इज वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। सो अगर ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा है सो ऑब्वियसली पॉइंट P अगर ये है सो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, और एज वी कैन से E1 E2 अगर सेम है, दो सेम वेक्टर अगर है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दोनों पाई वेक्टर के अक्रॉस होता है, यानी E1 E2 की मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है तो रिजल्टेंट जो EP होगा पाई वेक्टर के अक्रॉस होगा, ये थीटा हुआ। अब हमें E1 E2 का रिजल्टेंट निकालना है EP के मैग्नीट्यूड, तो इसका दो कंपोनेंट हो सकता है E1 cos थीटा E2 cos थीटा, E1 sin थीटा E2 sin थीटा। E1 sin थीटा क्योंकि E1 E2 बराबर है तो E1 sin थीटा और E1 to E2 sin थीटा वो भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E1 और E2 का वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट दैट इज E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हम कह सकते हैं EP यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट EP जो होगा अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सो दैट विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नाउ E1 बराबर E2 है, अगेन हियर वी कैन से EP की वैल्यू क्या होगी, दिस इज E1 की वैल्यू होगी दिस इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। अगेन E2 क्या होगी, सेम क्योंकि E1 बराबर E2 है तो ये अगर वैल्यू सेम है और cos थीटा भी सेम है तो दिस इज ऑन द होल ये ट्वाइस हो जाएगा, सो क्या एक्सप्रेशन ये हमें मिल गया। नाउ अगेन वन इंटरेस्टिंग थिंग क्या हो सकता है इसमें, बेसिकली वी कैन से cos थीटा अगर हम निकाल ले इस कॉन्फिग्रेशन से, अगर इस कॉन्फिग्रेशन में हम देखें तो ये थीटा है, दिस इज ए, दिस इज आर, दिस इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस कॉन्फिग्रेशन में cos थीटा की जो वैल्यू होगी बेस बाई हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सो दिस इज बेस बाई हाइपोटेनियस, तो cos थीटा की वैल्यू होगी a बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस वैल्यू को सिंपल यहां पुट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे सो वी विल गेट a बाई रूट अंडर, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन है एंड नथिंग एल्स। E1 जैसे कि E1 और E2 था, Q चार्ज के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस Q चार्ज के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का हमने एक, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर EP होगी दोनों के बाइसेक्टर के क्रॉस होगी। फर्दर इसका हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया E1 sin थीटा E2 sin थीटा,
परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया, दिस इज E1 cos थीटा, दिस इज E2 cos थीटा, तो एग्रीगेट क्या होगा दोनों का सम, ये एक्सप्रेशन होगा। cos थीटा को सिंपल हमने इस ट्रायंगल में a बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, सो EP जो होगा दिस इज इक्वल टू 2qa बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, रूट का पावर क्या होगा, क्या मतलब क्या होता है 1/2, दिस इज 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2। नाउ अगेन हम एक एजम्पशन करते हैं कि इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, नाउ मीन्स ये पॉइंट पी जो है डाइपोल से काफी दूर पे है, एक्सियल पॉइंट के लिए भी हमने एजम्पशन किया था कि इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी हम एजम्पशन क्या कर रहे हैं इफ आर इज यानी पॉइंट पी जो है काफी दूर डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू डाइपोल के, सो अगेन इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए तो ये पार्ट जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड वी कैन फाइनली गेट द एक्सप्रेशन, यहां लिखते हैं ईपी का जो एक्सप्रेशन मिलेगा यानी इक्वेटोरियल किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी 2qa बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, अगेन एजम्पशन क्या है आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए यानी पॉइंट पी जो है वो डाइपोल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे है। सेकेंडली अगर हम देखें तो जैसा कि हमने डाइपोल के लिए एक टर्म डिफाइन किया था डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, दिस इज पी डाइपोल मूवमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a डाइपोल के डायरेक्शन में, और पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जैसा कि हम देख सकते हैं ईपी वो डाइपोल के डायरेक्शन में है यानी डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है, क्योंकि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है यानी डाइपोल का डायरेक्शन ये है इस केस में, और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यानी डाइपोल के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण वो डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, डाइपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इक्वेटोरियल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, सो एज वी नो क्यू इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू टू ए, इसको रिप्लेस करेंगे हम तो किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट यानी डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज माइनस ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, तो एज वी कैन सी हम देख सकते हैं कि किसी भी डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका एक्सप्रेशन क्या था ट्वाइस ऑफ पी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट है उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज माइनस ऑफ पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, फर्दर पी क्या है डाइपोल मूवमेंट वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या होती है क्यू इंटू 2a, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अक्रॉस, दिस इज ऑल फॉर इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसमें हमने देखा कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा, फर्दर डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा, और जैसा कि हम देख सकते हैं इस दोनों केस में हमने एज्यूम किया था एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों पॉइंट के लिए एज्यूम किया था कि आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, यानी जो पॉइंट है डाइपोल के एक्सिस पे या इक्वेटोरियल प्लेन पे वो डाइपोल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे है, फिर उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एजम्पशन रिड्यूस हो गया है। एक चीज और देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के कारण वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r² होता है एक्सप्रेशन में, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाएंगे अगर एक पॉइंट चार्ज है तो डिस्टेंस दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल होगा, और एक डाइपोल है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एज फास्टर फॉल होगा एज कंपेयर टू, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी ये जल्दी फॉल हो जाएगा कम डिस्टेंस पे इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी डाइपोल के कारण, और अगर पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो कम डिस्टेंस पे इसकी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डाइपोल, यानी डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज फास्टर डिक्रीज करता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एज कंपेयर टू अगर एक सिंपल पॉइंट चार्ज है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्दर इस फ्यू में टॉपिक में देखा हमने
कैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फर्दर उसके कुछ कॉन्फिगरेशन देखे हमने कि सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। फर्दर देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में क्या होगा। तो एक्सियल पॉइंट के लिए देखा, यानी कोई भी एक्सियल पॉइंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के एक्सिस में लाई करता है, एक्सिस पे, उस पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कोई भी पॉइंट जो डाइपोल के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता है, इक्वेटोरियल बाइसेक्टर प्लेन पे, उस पॉइंट पे यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और दोनों केस में हमने एजम्पशन लिया कि इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, यानी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल से काफी दूर डिस्टेंस पे है, उस केस में हमने डेरिवेशन प्लॉट किया। इसको एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम देखेंगे कि और फर्दर इसको कंसिडर करेंगे। दैट इज लेट अस कंसिडर कि एक डाइपोल है हमारा, जैसे एक चार्ज कॉन्फिगरेशन है, ये पॉइंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चार्जेस हैं और उनके बीच का सेपरेशन दैट इज 10, दिस इज माइनस 10 क्यूब, 10 माइक्रोकुलम, दिस इज प्लस 10 माइक्रोकुलम, एक्सक्यूज मी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए पे है माइनस 10 माइक्रोकुलम, बी पे है प्लस 10 माइक्रोकुलम। सेकेंडली इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 5 मिलीमीटर और ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पॉइंट पी लाई करता है एक्सिस पे जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना है 15 सेंटीमीटर। तो पॉइंट पी पे इस डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने डेरिवेशन किया था उसके लिए हमने एजम्पशन किया था इफ आर इज ग्रेटर देन ए। अगर इसमें देखें आर की वैल्यू कितनी है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट पी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, यानी आर इज इक्वल टू 0.15 मीटर कह सकते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है, 2a है, क्योंकि ये हम ध्यान देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कि क्यू और क्यू माइनस क्यू यानी डाइपोल में जो दोनों चार्ज होता है उनके बीच का सेपरेशन होता है 2a रिप्रेजेंटेशन में जो हमने फॉर्म डेरिवेशन किया था। तो इट मींस ए और बी के बीच का जो 5 मिलीमीटर है वो 2a है। दिस इज 2a इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो ए कितना होगा 5/2 यानी 0, दिस इज हम कह सकते हैं 2.5 मिलीमीटर। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदले तो वी कैन से ए इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो अगर आर बाई ए करें तो दिस इज ऑलमोस्ट 60 आता है। तो हम कह सकते हैं अगर आर काफी बड़ा है ए से तो अगेन ये वैलिड है, मींस आर 60 टाइम ज्यादा है ए से। तो हम कह सकते हैं आर काफी दूर डिस्टेंस पे है ए के, इट मींस ये कंडीशन वैलिड है इस केस में। तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, आर और ए का रेशियो निकाला। अगर आर काफी लार्ज है ए से, जैसे इस केस में आर 60 टाइम्स ज्यादा आ रहा है ए से, तो हम कह सकते हैं हम फॉर्मूला अपना जो डेरिवेशन किया था हमने जो किया था इफ आर इज ग्रेटर देन ए, उस केस में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई 4πε0 आर क्यूब, मीन्स ट्वाइस ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी क्यू, क्यू इंटू 2a यानी 10 × 10⁻⁶ क्यू हो गया, क्योंकि ये माइक्रोकुलम है, 1 माइक्रोकुलम मीन्स 10⁻⁶ कुलम इंटू 2a। 2a की वैल्यू कितनी है, ये टोटल वैल्यू ए से बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर, तो पी की वैल्यू क्या होगी क्यू इंटू 2a, तो 2a है 5 मिलीमीटर यानी 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4πε0 आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, सेंटर से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मीन्स 15 × 10⁻² मीटर। और ये डाइपोल के, क्योंकि एक्सिस पे जो किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के क्रॉस होता है, डेरिवेशन में हमने देखा था। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे एंड वी कैन गेट द फाइनल आंसर, दैट इज एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा दैट इज सॉल्व करने के बाद आया 2.6 × 10⁵ न्यूटन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के क्रॉस। इस केस में हम अपना जो फॉर्मूला डिराइव किया था सिंपल लगा सकते हैं, बिकॉज इस केस में हमने देखा आर काफी बड़ा है ए से, जो पॉइंट पी है वो 60 टाइम आर, मतलब आर की जो वैल्यू है सेंटर से पॉइंट पी की के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर,
आर 60 टाइम ज्यादा है, 60 टाइम लार्ज है एज कंपेयर टू ए. सिंपल हमने फॉर्मूला लगा लिया. इन द केस अगर आर ए से काफी बड़ा नहीं आता है, मतलब आर और ए कंपेरेबल है, सो इन दैट केस में हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पॉइंट पी पे निकालना है, जब आर ये अगर ये केस वैलिड नहीं है किसी भी डायपोल के लिए, उस केस में पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करके निकालेंगे. यानी निगेटिव चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर दोनों का सम करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. नाउ अगर इसी क्वेश्चन में हमें किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर निकालना होता, तो अगेन अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे हमें निकालना है कोई भी ऐसा पॉइंट पी है जो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता है इस डाइपोल के, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल लॉजिक एज वी कैन सी, जैसे कोई पॉइंट पी है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता है, जैसे ये था ए दिस इज बी, और इस पॉइंट पी पे इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट पी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो अगेन अगर ये आर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमाइन करेंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन, अगर आर बड़ा आ रहा है काफी ए से काफी बड़ा आ रहा है, अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे क्या होता है, माइनस ऑफ पी, पी क्या है डायपोल मूवमेंट वेक्टर, दिस इज एक्सप्रेशन क्या होगा, 4 pi epsilon naught r³. अगर आर बड़ा है, इस केस में अगर पॉइंट पी का जो पोजिशन वेक्टर है सेंटर से डायपोल के सेंटर से, दैट इज आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, तो हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. इन द केस अगर आर ए से बड़ा नहीं है, काफी बड़ा नहीं है, अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा है, तो अगेन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे. यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एंड अगेन प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम करेंगे एंड वी विल इजीली गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि डाइपोल के कारण, जैसे डाइपोल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल क्या होता है, बेसिकली दिस इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a. यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इसको 2a डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया. इस पूरे कॉन्फिगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल का फर्दर कॉन्फिगरेशन देखा, सेंटर ऑफ डायपोल क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल दैट इज माइनस क्यू से निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ डायपोल बोलते हैं. उसके बाद से डायपोल मूवमेंट वेक्टर देखा. फर्दर ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इसका एक्सप्रेशन देखा. यानी किसी भी एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, फॉलोइंग द कंडीशन कि अगर वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट डायपोल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे, यानी आर ग्रेटर देन वेरी वेरी लार्ज देन ए, उस केस में हमने एक्सप्रेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का. सेकेंड कि अगर किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन पे, यानी डायपोल के इक्वेटोरियल बाइसेक्टर प्लेन पे अगर कोई पॉइंट पी लाई करता है, फॉलोइंग द कंडीशन कि इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, यानी ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पी डायपोल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे है, इस केस पे पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, दिस ऑल वी हैव सीन इन दिस लेक्चर. बेसिकली ये लेक्चर इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड होप इट्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज मच क्लियर. सो वी विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू टॉपिक. That's all for this. Thank you.